मॉर्निंग फ्रेंड, ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप? जैसा कि सभी को पता है, हम 5 बजे सुबह सुबह 5 बजे आप लोग के लिए स्पेशल क्लासेस लेके आते हैं। तो आप लोग आ जाओ और क्लासेस अटेंड करो। ओके दोस्तों, चलो कुछ नया सीखते हैं। सीखते हैं हर जगह हम, मगर कुछ नया सीखो, कुछ अजीब सीखो, यही नया का ही ज़माना है। अभी नया सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए हम कहते हैं चलो कुछ नया सीखते हैं। क्या होता है, हम लोग मेहनत करते हैं मगर हमें सफलता नहीं मिलती। कुछ लोग क्या होते हैं, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद सफल हो जाते हैं। सोचो उसके पीछे कारण क्या होगा। उसके पीछे कारण होगा ट्रिक, टेक्निक। ओके दोस्तों, क्यों कुछ लोग बहुत अधिक मेहनत के बाद भी सफलता नहीं पाते हैं, दूसरी ओर थोड़ी सी मेहनत के बाद सफल हो पाते हैं। क्यों सफल हो पाते हैं थोड़ी सी मेहनत के बाद, सोचो। ओके दोस्तों, मैं आज आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो स्किप मत करो, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए आप अपना समय 5 मिनट का टाइम दो, मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप देखोगे और बस हल कर लोगे। दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब बताओ इसमें क्या हो रहा है। दो संख्या मांग रहा है, एक संख्या क्या है, दो संख्या का योग 40 है, उसका अंतर 6 है, तो हमें क्या निकालना। बस इसे हम बेसिक और ट्रिक दोनों पे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम बेसिक देखते हैं। इसे मान लो ए प्लस बी बराबर क्या है, 40। दूसरी ओर क्या है, ए माइनस बी, यानी अंतर है ना 6, तो हम इसे क्या कर दिए। अब बताओ ए बी बी कट गया, तो यहाँ हम 2a करते हैं ना। ओके दोस्तों, यहाँ 46 कर दिए, तो a बराबर क्या होता है बताओ। a बराबर होता है हमारा, a बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 है ना, गुना है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, बट्टे में कर देंगे, तो इसे काट देंगे, कितना हो गया 26। ठीक है, तो यहाँ देखो मेरा 26 एकदम साधारण में। ठीक है, अब हम इसे ट्रिक पे भी देखेंगे, ये क्योंकि इसमें समय लग गया, ट्रिक पे समय नहीं लगेगा। यहाँ क्या करेंगे, 40 दो संख्या है ना, तो हम यहाँ दो संख्या है तो 46 कर देंगे, 2 है, 2 लकीर देखो, यहाँ दो संख्या है तो 2 कर दो, बस निकल गया। ठीक है, बताओ निकल गया ना। ओके दोस्तों, कितना फास्ट में निकल रहा है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आप एक क्वेश्चन और देखो, आपका पूरा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और आप बिना पेन उठाए से हल कर लोगे, आई होप। दो संख्याओं का योग 50 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या है तथा छोटी संख्या ज्ञात करें। इसमें क्या है, बस वही है, कुछ मत करो आप लोग, सोचो समझो मत, वही बना दो डायरेक्ट। ए प्लस क्या है, बी, ए प्लस बी बराबर 50, ए माइनस बी बराबर कितना, 6 है ना, बी भी कट गया, कटता है, 2a हो गया, यहाँ 56 कर दो। ठीक है, ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, ए बराबर 56 बाई 2, 28 हो गया। इसे बेसिक में करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 50 करेंगे, यहाँ 6 करेंगे, 56 कर देंगे, यहाँ 2 लाइन है, 2 कर देंगे, काट देंगे, 28। अब बताओ एक 28 है ना, तो क्या है मेरा, तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या हो गया 28। अब मगर हम छोटी संख्या भी निकाल रहे हैं, तो एक संख्या जब 28 होगा तो दूसरा क्या होगा, सोचो क्या होगा, कुछ नहीं करना है। अरे 28 इसमें कर दो, हो गया आपको 22, तो छोटी संख्या मेरा क्या हो जाएगा, बोलो, छोटी संख्या हो जाएगा मेरा 22 हो जाएगा ना, और बड़ी संख्या ये हो जाएगा। देखो दोस्तों क्या होता है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके लिए SSC, बैंक, रेलवे और CTET में आता है, क्योंकि इनके प्रति अभी तैयारी हो रहा है तो इनके लिए अनिवार्य है CTET। ओके दोस्तों, बताओ कहीं कोई कन्फ्यूज नहीं है। इसे हम ट्रिक पे भी सॉल्व कर दिए, बेसिक तरीके भी सॉल्व कर दिए। आपके पास कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करो। ओके दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर कर लो अपना माइंड को। इसीलिए तो कहते हैं चलो कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। मिशन क्लासेस पॉइंट,
आपके लिए तरह तरह के वीडियो लेके आते हैं, और आप हमारे वीडियो पे बने रहो। ओके दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।